पिताजी को भी बिहार की जनता ने ठंडा करने का काम किया, आपके माताजी को भी। नीतीश कुमार ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो मेरा सीधा आरोप है कि 1994 में समता पार्टी का निर्माण नीतीश कुमार जी छोटे सहयोगी के तौर पर थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जनता दल जॉर्ज बना और उसके बाद समता पार्टी का लवकुश के नाम पर निर्माण हुआ। भगवान श्री राम का जो समर्थक नहीं हो वो लवकुश के परिवार का नहीं हो सकता। आज पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है कि नीतीश कुमार जी लगातार जिस तरह का 8 बार उन्होंने राजनीतिक कपड़ा बदला बिना सिद्धांत। पहले तो हम लोगों को लगा कि 2013 में एनडीए छोड़कर वो चले गए थे कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नहीं कबूलेंगे, और जब 17 में लौट के आए तो हम लोग को लगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम करना चाहते हैं, बिहार के विकास की चिंता करना चाहते हैं, तो केंद्र से मिलकर ये बिहार की चिंता करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा किस तरह एरोड्राम जब बनाया गया दरभंगा में, उसके जमीन अभी तक पूरे नहीं हो पाए। अभी 10 दिन 15 दिन पहले इसको हस्तांतरित किया। एम्स का जमीन कब अलॉट किया गया कि भाई एम्स हम बनाएंगे, डायरेक्टर की पोस्टिंग की गई, आज तक जमीन ही ट्रांसफर हो रहा है। पूरे बिहार में चाहे वो पटना हो, रक्सौल हो, गोपालगंज हो, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, बीटा हो, सारे जगह का एयरपोर्ट भारत सरकार चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही है कि आप जमीन उपलब्ध कराइए, बिहार का हिस्सा देना चाहते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि वो दिल्ली जाकर, कभी आप लोगों ने सुना कि दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से मिले कि हमको ये काम है, किसी भारत सरकार के मंत्री से गए हो कि हमको रोड बनाना है, पानी पहुंचाना है। जहां राजस्थान जैसी सरकार ने नल जल योजना के माध्यम से, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार, वहां 36,000 करोड़ रुपया नल जल योजना में भारत सरकार ने दिया, लेकिन बिहार की सरकार ने ये कहा कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है। तो हम तो आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता से ये पूछना भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नल जल का काम पूरा हो गया, अब हमको पैसे की जरूरत नहीं है, क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं, बिहार की जनता इसको तय करे। इसलिए आज पूरे बिहार में हम लोग तो कार्यकर्ताओं में जो खुशी हम देख रहे हैं, हम आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सभी मंडल अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारी से, पार्टी के पदाधिकारियों से मैंने वार्ता की, समीक्षा की। सबकी इच्छा यही थी कि जिस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए में हम सरकार चला रहे थे वहां कभी भी भाजपा के सिद्धांत के साथ कोई काम नहीं किया। जब हम राम मंदिर बना रहे थे तब विरोध कर रहे थे, जब 370 हम हटा रहे थे तब नीतीश कुमार की पार्टी विरोध कर रही थी। आप किस तरह का गठबंधन चल रहा है? लेकिन बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व चाहता था कि बिहार में जंगल राज स्थापित नहीं, गुंडों की सरकार स्थापित नहीं। जिस तरह का बोली बिहार के उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि कोई गुंडा ही बोल रहा? तो आप समझिए कितना एरोगेंसी दिख रहा। अभी सत्ता में मुश्किल से 10 दिन हुआ है लेकिन ये बोली ऐसे बोल रहे हैं, अरे आपके पिताजी को भी बिहार की जनता ने ठंडा करने का काम किया, आपके माताजी को भी, और आपको भी 2020 के चुनाव में घर बैठाने का काम बिहार की जनता ने किया, और आगे भी
तो जनता का उत्साह और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा। 2024 में अभी ये कहते सात पार्टी लेके हम खड़े हैं, हम तो कहते हैं आठवां पार्टी भी जो MIM है वो भी आप ही के साथ, आठ पार्टी मिलकर लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो एक शेर की तरह सभी गीदड़ को हराने का काम करे, ये बड़ा स्पष्ट है। लोकतंत्र में एक सिद्धांत के साथ राजनीति होता है, नीतीश कुमार जी ने पूरे सिद्धांत को खत्म कर दिया। बिहार का पॉलिटिकल डीएनए पिछले 32 वर्ष में लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार ने बिहार के पूरे पॉलिटिकल डीएनए को खराब किया। और नीतीश जी आज कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को मणिपुर में तोड़ दिया, अरे आप पे भरोसा ही नहीं है उसको, वहां के विधायकों वो अब भाजपा में मिल गए। और आप किस मुंह से बोल रहे हैं, बिहार में आपने कांग्रेस को तोड़ा, आपने लोजपा को तोड़ा, राजद को तोड़ा, लोजपा को तोड़ा, कोई भाजपा के लोगों को तोड़ा, कोई ऐसी पार्टी बची है नीतीश बाबू जिसको आपने छोड़ा? नीतीश कुमार ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको ठगा नहीं। बिहार की जनता आपके ठगपन से अब उब चुकी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तय किया कि हम 24 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी पिछली बार 39 सीट हम लोगों ने जीता था 40 में, 40 में 39 सीट फिर से जीतने का काम करें। तो एनडीए में नीतीश कुमार असहज काय महसूस कर रहे थे? ये तो उनको बताना चाहिए। जो हम लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनना चाहिए, वो मिला नहीं। तो जिस तरह किसी बच्चे को खिलौना यदि नहीं मिलता है बाजार में तो वो घर में आके सारे खिलौने को तोड़ देता है। इसलिए मैंने कहा कि 1994 में जब समता पार्टी बनी थी तो लालू प्रसाद जी की अराजकता के खिलाफ बनी थी और हम लोगों ने तो अपने खून से सींचा एनडीए को। 1995 में हम जेल में रहे, मेरे घर को तोड़ दिया लालू प्रसाद जी के पूरे सरकार में, 22 लोग जेल में रहे। और उस समय ह्यूमन राइट्स ने हमारे परिवार को 4.5 लाख रुपया बिहार सरकार को फाइन किया। तो हम लोगों ने वो दौर भी देखा, जंगल राज की स्थापना को भी देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ये हिसाब जानना चाहती है कि नीतीश कुमार जी आप जो ख्वाबी प्लाव बना रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे जब आपका सहयोगी कांग्रेस आपके साथ नहीं, केजरीवाल आपके साथ नहीं, ममता दीदी आपके साथ नहीं, और अभी KCR आए थे बिहार, इनको उठा बैठक करा रहा था, कभी बैठा रहा था, कभी उठ रहे थे, कभी बैठा रहा था, बैठिए। एक पार्टी नहीं है जो इनको समर्थन करे, तो बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हम लोग राम के वंशज हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हिंदुस्तान की कल्पना की थी, भारत की कल्पना की थी। आज भारत के लोग पूरी तरह इंतजार कर रहा है कि जो राम का नहीं हुआ वो बिहार का नहीं हो सकता, देश का नहीं हुआ।